गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई तड़कती भड़कती, इतनी तड़कती भड़कती भी सीरीज नहीं है यार, मैं कुछ ज़्यादा ही जानबूझ के एनर्जी डाल रहा हूँ, तो गुस्ताखी माफ़। कुसुमलिया का सुबह सुबह का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये है कुसुमलिया टाउन। ठंड को मैंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, इसी कारण से जो बड़े वाली जैकेट है वो मैंने अंदर डाल दिया, लेकिन इस जैकेट में मैं कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, दिखने में मस्त लग रहा हूँ, तो आज यही पहनते हैं। थोड़ी ठंड को एडजस्ट कर लेंगे, सुबह सुबह का टाइम है, अभी दोपहर की तरफ प्रस्थान हो रहा है, हमारा ट्रांजिशन हो रही है, तो शायद ठंड एडजस्ट हो जाएगी, और होपफुली आज मैं कोपाउनिक पहुंच जाऊं, नहीं तो भाई लुल हो जाएगा। पता नहीं कितने दिनों से, परसों निकला था मैं बेलग्रेड से, फिर परसों मैंने वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप देखा, कल वाला सीन आपने लास्ट वीडियो में देखा ही था कि मुझे लगा पहुँच जाऊँगा, लेकिन जो मेरे कुछ निर्णय थे वो गलत हो गए, और उस कारण से अभी तक मैं कुसुमलिया में ही अटका हुआ हूँ। अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं बस स्टैंड की तरफ, अगली टाउन तक जाऊँगा, वहाँ से फिर ट्राई करूँगा कि मुझे कुसुमलिया के लिए कुछ मिल ना, सॉरी ब्रात से होते हुए मैं कोपाउनिक पहुँच जाऊँ। बहुत लंबा इंट्रो डाल दिया मैंने आज। कल सुबह जब मैं उठा था ना, इस टाइम मेरे दिमाग में था कि यार हाँ, आज तो मैं साला यानी आज के लिए स्किंग कर लूँगा, लेकिन आज भी अभी तक स्किंग नहीं कर पाया हूँ, होपफुली आज मैं पहुँच जाऊँ यार। बाकी ये मेरा रूम था जिसके लिए मैंने पे किए हैं 20 यूरो के आसपास। चलो अब मैं नीचे जाता हूँ, चेकआउट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ का जो बस स्टैंड है उसकी तरफ प्रस्थान करता हूँ। पासपोर्ट ले लिया, बाकी सारी चीज़ें ले लिए, बस स्टैंड यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। आफ्तोस्तान से यार वाला काउंटर में भाई साहब थे, उनसे पूछा कि ब्लाथ से ब्रूस की बस है क्या कोई डायरेक्ट, क्योंकि जो कोपाउनिक है उसके नियर बाय यही टाउन पड़ते हैं, लेकिन वहाँ के लिए कोई डायरेक्ट बस मिली नहीं, तो अभी यहाँ से जो निश बस जाती है, जो बस पकड़ के कल मैं आया था उसी बस को ले रहा हूँ, लेकिन रास्ते में बेलोलिन करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पर उतर जाऊँगा, एक गाँव है। बस कुसुमलिया से निकल चुकी है, उम्मीद है कि आगे मुझे गाड़ियाँ वाड़ियाँ मिल जाएँ, या फिर लिफ्ट मिल जाए, बसेज मिल जाएँ, ताकि मैं आज कोपाउनिक पहुंच जाऊं, नहीं तो यार कल वाला लुल हो जाएगा मेरे साथ। बाकी आज धूप बहुत ज़्यादा आ रखी है, तो इसी कारण से बस के अंदर भी गर्मी हो रखी है। बाकी आप देख सकते हो कि जो लगभग बस है खाली पड़ी है, और जहां पे मुझे उतरना है वो जगह 4 मिनट में आने वाली है। इस बस में आया था मैं, कल मैंने गलती कर दी यार, कल मुझे यहाँ पे उतरना चाहिए था। कोपाउनिक से ब्रूस ऑफ्टोबस 70 किलोमीटर। तो भाई साहब बता रहे हैं लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। अंकल जी बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ की जिन अंकल ने मुझे इनवाइट किया था वो सुबह सुबह मुझे वोदका पिला रहे हैं, और वोदका के साथ चाय, तो एक तगड़ा कॉम्बिनेशन होने वाला है कि आज रात ना सॉरी आज दिन को मैं कैसे सरवाइव करने वाला हूँ। बाकी सर्बियन कल्चर में भी अल्कोहल का बहुत बड़ा हुआ है, क्या इन्वॉल्वमेंट है। भाई साहब को मैं बता रहा था कि मैं स्कीइंग करने जा रहा हूँ, तो जो पीछे अंकल जी है ना वो एक दो दिन पहले स्कीइंग करके आए थे और उनके यहाँ पे चोट वोट लग गई, तो ये कह रहे थे कि अभी स्कीइंग करने मत जाओ। इंडिया
हमारी चाय आ गई है और चाय के साथ साथ हमारा वोदका भी आ गया। Živio li priko? Živio li tom zira? Svakim možda ti pomogni, svakim pa i nama, tako je. Živio li rame. Dobro, domaća. बड़ी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है यार। चाय के साथ कभी आपने वोदका कप किया है क्या? मैं पी रहा हूँ यार। रशियन के अंदर भी ओके को दोबरे बोलते हैं और अच्छे को दोबरे बोलते हैं, और सेम सर्बियन के अंदर भी दोबरे मतलब अच्छा या ओके। उक्रेन्स की दोबरे 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 भाई पंगा क्या हो गया कि मैंने एक शॉट ऑलरेडी पी लिया है और अंकल जी ने ना पता नहीं दूसरा शॉट कब भर दिया, बोलते नहीं नहीं ये तो पीना पड़ेगा पीना पड़ेगा, और मेरे को इसी एक शॉट से नशा हो गया यार। वोदका नीमा स्लीवोविच्चा naše vrate kaže Srbija Srbija ovako gle 1 2 3 ovako 3 nema donesi bre Ljiljo za preko iz Indije, dobro pa dobro pa hvala. Ne ja ne ni slučajno ne hvala ništa, thank you, se rođio idi polagačko bogate kupimo sve što će biti, hvala. थैंक यू वाला यार बंदे मस्त हैं। तो मैं अब यहाँ से इस दुकान से ये ले रहा हूँ प्रोटीन बार, कितनी है? 6 हो गई टोटल। हाउ मच 180 8 प्रोटीन बार ले लिया मैंने भाई। सबसे पहले तो जो मैंने गलती की है वो आप कभी मत करना। सुबह सुबह भाई उन अंकल ने मेरे को 2 शॉट यहाँ की पता नहीं कोई बहुत तगड़ी स्ट्रॉन्ग अल्कोहल के 2 शॉट, छोटे छोटे शॉट थे यार, मुझे लगा कुछ नहीं होगा और भाई अब मेरा दिमाग घूमने लग गया। बाकी फिर ये और सबसे अजीब बात लगी कि यार चाय के साथ कौन पीता है अल्कोहल। अंकल ने तो तीसरा शॉट और मंगवा लिया था, उसके बाद मैं नहीं यार अंकल जी तीसरा शॉट मुझसे नहीं होगा, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, बस इतने में आप एडजस्ट कर लो प्लीज़, इससे ज़्यादा प्लीज़ आप मेरे से उम्मीद मत करो। पहली बात तो मैं खाली पेट हूँ, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और ऊपर से आप मुझे सुबह सुबह दारू पिला रहे हो आप, तो अंकल जी थोड़ा कंट्रोल रखो यार, बच्चे के ऊपर दया तो करो। तो अंकल जी ने मुझे एक बात बताई कि संडे के दिन हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ दारू पीते हैं, आपस में बतियाते हैं। तो फिर मुझे समझ गया कि हाँ यार अंकल जी का आज मज़े करने का दिन है, और उस मज़े करने के दिन में शुरुआत अंकल जी ने मेरे साथ की। कोई नहीं यार होता है, ट्रिप्स के दौरान या फिर लोगों के साथ अल्कोहल नहीं पीता था फिर मैं नहीं यार, अगर कल्चर में और ज़्यादा इन्वॉल्व होना है तो वहाँ के जो लोग करते हैं वो भी करना चाहिए। और कई बार ये जो फैसला था ये मेरे लिए गलत साबित भी होता है और कई बार सही भी। ग्लासे के लिए गाड़ी वाड़ी का वेट करना है, प्रोटीन बार ले लिया, प्रोटीन बार तो नहीं सीरियल बार बोलेंगे आप इसको। थोड़ा पैदल भी चलता हूँ, अंकल जी ने मुझे पैसे नहीं देने दिए उस चीज़ के, मैं जब गया ना पे करने तो अंकल जी बोलते नहीं 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 नहीं, वो जस्ट था, मैंने पैसे भी निकाल लिए थे। और जो और मजे की बात इन एंटी के पास दारू और चाय के अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ दारू और चाय थी। भाई बंदे को खाने के लिए भी तो चाहिए। कल परसों मैं रशिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था और तब मुझे पता चला रे रस्पुतिन नाम का तो कोई बंदा भी एग्जिस्ट करता था, मुझे लगा कि ऐसे कोई गाना बना दिया होगा। फिर जब मैं जार की हिस्ट्री पढ़ रहा था तब पता चला कि रे रस्पुतिन नाम से तो कोई बंदा भी था। अरे हेलो गोइंग टू ब्रूस, लगभग यार 10 मिनट का वेट करना पड़ा और इन अंकल जी ने गाड़ी रोक ली। 10 मिनट में मुझे लिफ्ट मिल गई, अंकल जी मुझे ब्रूस छोड़ देंगे और ब्रूस से जो कोपाउनिक है वो ज़्यादा दूर नहीं ले जाता। थैंक यू वाला रात से ब्रूस कोपाउनिक ओके काको इंडिया इंडिया यस पुणे। अंकल जी पुणे होने के बारे में कोई बात बता रहे हैं बता।
अभी चल रहे हैं अंकल जी के साथ। लगभग यूँ मान लीजिए अंकल जी मुझे ऑलमोस्ट कुपावनी के पास ही छोड़ेंगे। बस के अंदर सीट मिल गई, सारी चीज एकदम परफेक्ट हो गई। यूँ लग रहा है कि जस्ट बस जैसे मेरे लिए वेट कर रही थी। भाई यार इनको देख के मन खुश हो गया है मेरा। कोई नहीं, कल आपका भाई भी ये सब करने वाला है। यहाँ पे स्नोफॉल तो अच्छा खासा हो रखा है यार। कुपावनिक में हमारी बस पहुँच चुकी है। एक बार मैं सोच रहा था कि स्कीइंग के लिए मैं दूसरी जगह पे चला जाता हूँ, लेकिन सही रहा कि मैंने वो निर्णय नहीं लिया, क्योंकि कुपावनिक की ब्यूटी देख के पागल हो गया हूँ मैं यार। एकदम मेरे को गुलमर्ग की याद आ रही है। एक बार उतर जाता हूँ मैं, फिर आपको ढंग से दिखाऊंगा। और यहाँ से एक बार मैं देख लेता हूँ कि जो मेरा हॉस्टल है वो कितना दूर है, क्योंकि अभी मेरे को प्रेशर बहुत तेज लगा हुआ है सुसु का। या फिर इधर एक सुपरमार्केट पड़ता है, उधर जा गया हूँ, क्योंकि बस ने मुझे यहाँ पे पार्किंग में उतार दिया है। और यहीं से आपको शायद अलग अलग बसेस मिलेंगी, क्योंकि काफ़ी बस खड़ी है यहाँ पे। बस तो आती है यार, लेकिन निस से डायरेक्ट बस नहीं है, ब्रूस से आपको बसेस मिल जाएंगी। खाना हो गया है मेरा और ये सनग्लासेस भी खरीद लिए। आपने भीड़ तो देख ही ली होगी, और इतनी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है तो आपके दिमाग में यही आएगा यार, यहाँ पे अकोमोडेशन तो बहुत महंगी होगी। उतनी महंगी भी नहीं है जितनी मैंने सोची थी, और उतनी सस्ती भी नहीं है जितनी मैं अभी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक अंकल है जिनके पास मैंने वो होम स्टे बुक किया या फिर एक गेस्ट हाउस बुक किया है, और अब मुझे एक टैक्सी ढूंढ के आगे मेरे होटल तक जाना है। अभी क्या हुआ था, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था घर पे, और भाई गलती से मैंने इधर पैर रख दिया और मेरा पूरा का पूरा पैर नीचे तक चला गया। यहाँ तक बर्फ़ चली गई थी यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ पे स्नोफॉल तो काफ़ी अच्छा हो रखा है। हेलो हेलो दिवेत लेव कुतुक न कोपू बस का जी विचार दसी इंग्लिश नो रूस की परिमाय को रूस की परिमाय सर्बिया तो गेस्तनिसिया तो शायद वो पीछे वो 4 किलोमीटर टैक्सी मिल गई है। जो टैक्सी है यहाँ पर भी मीटर के हिसाब से चल रही है यार। ये सीन है अपने इंडिया में भी होना चाहिए। इमिया काक काक इमिया स्लोबोदर स्लोबोदर दीपांशु इंडिया इंडिया। लेकिन यहाँ पे जो टैक्सी है ना उनके मीटर थोड़े हाई है। जैसे निश के अंदर जो मैंने टैक्सी ली थी उनका मीटर स्टार्ट हो रहा था लगभग 120 से, यहाँ की जो टैक्सी हैं उनका मीटर स्टार्ट हुआ था 220 से, और मीटर चल भी तेज रहा है। कुछ ताकत उसी जिस तरह के कुछ मेरे सेंटर से यहाँ तक आने में मुझे 10 मिनट लगी, और 10 मिनट के लिए मैंने पे किए हैं 700 दिनर। 700 दिनर मान लीजिए लगभग 500 रुपये के आसपास। ये है मेरे गेस्ट हाउस से व्यू।
पूरे रूम के अंदर अकेला मैं ही हूँ। तो यहाँ पे जो अंकल जी उन्होंने बोला कि बेटा कोई भी रूम चूज कर ले, तो मैं रूम तो चूज नहीं, फिर मैंने ये वाला बेड चूज किया यार, क्योंकि जितना बड़ा रूम होगा ना उतनी ज़्यादा ठंड लगेगी और जितना छोटा रूम उतनी कम ठंड। तो इस लॉजिक के साथ जा रहा हूँ आज। बाकी यार लाइट कहाँ से ऑन होगी, बटन किधर है, ये रहा। और इस जगह के लिए आई एम पेइंग 5730, लगभग ये मान लीजिए 67 यूरोस फॉर टू नाइट्स। ये कोपाउनी की वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेसेस में से भी है, हाईएस्ट रेटिंग्स भी इसी जगह को मिली हुई हैं। तो जहाँ पे स्नोफॉल होता है ना वहाँ पे सूरज इतना तीखा लगता है ना, इतना सीधा आपकी आंखों में आके लगता है, ये क्या ही बताऊँ। बाकी बर्फ़ धीरे धीरे पिंगल पिंगल के